इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर पुलिस लगातार ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने एक शातिर महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर सहित अन्य मादक पदार्थ भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं और पूरे ही मामले में पूछताछ की जा रही है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मशहूर फिल्म रईस की तर्ज पर इंदौर में एक महिला नाबालिग बच्चों के माध्यम से मादक पदार्थ सप्लाई करवा रही थी। इस पूरे मामले की जानकारी जब इंदौर की आजाद नगर पुलिस को लगी तो आजाद नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक साथी महिला मंगूबाई को गिरफ्तार किया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त की, जिसकी कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। वहीं महिला से जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो बताया गया कि वह राजस्थान के कुछ शहरों से अवैध तरीके से ब्राउन शुगर व मादक पदार्थों को लेकर आई थी और उसे इंदौर शहर में नाबालिग बच्चों के माध्यम से सप्लाई कर देती थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि महिला पुड़िया बनाकर उसे 500 रुपए प्रति पुड़िया के हिसाब से संबंधित व्यक्तियों तक बेचती थी और इस तरह से वो अब तक शहर में लाखों रुपए की ब्राउन शुगर खपा चुकी है। वहीं महिला के ऊपर तकरीबन 20 से अधिक अपराध पूर्व में भी दर्ज है और जब भी पुलिस महिला को पकड़ने जाती थी तो वह मौका देखकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाती थी और पिछले दिनों भी जब पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार करने गई थी तो वह छत से कूद गई थी, जिसके कारण उसे चोट भी लगी थी। लेकिन इस बार पुलिस ने योजना बद्ध तरीके से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र की एक महिला पांगू है, पांगू सरिता भाई, वो थाना क्षेत्र में लंबे समय से ड्रग्स बेचने का और इसके अलावा अन्य नशा भी बेचने की शिकायत मिल रही थी और उस पर पहले भी कार्रवाई की गई है और वो पहले भी एक अपराध में फरार थी जिसपे 10,000 रुपये का इनाम था। कल हमारी टीम के द्वारा उसको दबिश देकर पकड़ा गया है। वो खजराना क्षेत्र में छुपी थी, उसको पास से फिर तलाशी ली गई, उसके पास करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, वो जब्त कर न्यायालय पेश किया गया है। तो सर कहाँ से लाई थी, क्या जानकारी थी? ये राजस्थान या प्रतापगढ़ के आसपास कुछ लोगों से जो ड्रग पेडलर है उनसे संपर्क में थी और उनसे लेके आके यहाँ सप्लाई करती थी। इनकी जो संपर्क वाले हैं वो कुछ लोगों को मतलब अलग अलग जो उसके जो ग्राहक रहते हैं उसके आधार पर किसी को 1-2 पुड़िया भेजना, किसी को 5-10 ग्राम बेचना, जैसे ग्राहक उनके मिल जाते थे उस हिसाब से वो लाके बेचती थी। पूर्व में ये पहले ही पकड़ने की कोशिश करी थी तो वो छत से कूद गई थी और फरार हो गई थी और फिर बीच में भी और दबिश दे के उसको पकड़ा है। करीब 20 अपराध उसमें पूर्व में पंजीबद्ध है जो अलग अलग नशे बेचना और अन्य तरह के अपराध है उसमें। हाँ, ये आसपास के जो उसके साथ ही महिलाएं हैं उनके साथ गैंग बना के ही नशा बेचने का काम करती है। सर कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ स्कूल के छात्रों के माध्यम से सप्लाई करवाती थी उनके, वो छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को इसमें बेचने का वो करती थी, उसका उपयोग करके या फिर उनके माध्यम से बिकवा ताकि लोगों को शक नहीं हो, इसलिए वो कॉलेज के और आसपास के बच्चे भी उनके संपर्क में थे।